بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان أو كما قالت صدق الله العظيم صدق وصدق رسوله النبي الكريم یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا یا دوسرا دن ہوگا۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظمت والا اور انتہائی برکت والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برستی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی معمولی نیکیوں پر اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بہت پہلے انتظار فرمایا کرتے تھے اور آپ کو اس کا شوق اور اس کی رغبت رہتی تھی کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کی تاریخوں کو رمضان کے لیے گنا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہیں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کہیں رمضان کا مہینہ غفلت میں نہ آ جائے، اس لیے شعبان کے مہینے ہی سے اس کو گننا شروع کر دو۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے کا شوق ہونا چاہیے اور اس کے آنے سے پہلے شدید اس کا انتظار ہونا چاہیے، جیسے بہت بڑی خوشخبری اگر آنے والی ہو اور اس کی تاریخ بھی متعین ہو
तो आदमी को हर वक्त उसका इंतजार लगा रहता है और वो तारीखों को और दिनों को गिनना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे खुशखबरी के दिन करीब आते हैं वैसे वैसे उसके शौक में इजाफा भी हो जाता है और उसके लिए खुशी और मसर्रत दोबाला हो जाती है। तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि मोमिन की शान ये होना चाहिए कि वो रमज़ान के शौक में और उसके इंतज़ार में शाबान की तारीखों को और शाबान के दिनों को और उसकी घड़ियों को गिन रहा हो। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर रही हैं कि कान यतहफ्फज़ु मिन शाबान मा ला यतहफ्फज़ु मिन गैरिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर महीनों के मुकाबले में शाबान के महीने की ज्यादा निगरानी रखा करते थे, यानी आप दिन गिनते रहते थे, रातें गिनते रहते थे, घड़ियां गिनते रहते थे, गोया आपको भी शौक लगा रहता था और इंतजार रहता था। और फिर जैसे ही रमजान का चांद दिखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का हुक्म देते और रोजा रखना शुरू फरमा देते थे। ये मोमिन की शान होना चाहिए और ये मोमिन के दिल में ईमान के जिंदा होने की एक अलामत है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की एक अलामत ये इरशाद फरमाई कि जब वो कोई नेकी करे तो उसके दिल में मसर्रत हो, उसको खुशी हो, और उससे अगर कोई चूक हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह की कोई मासियत सरजद हो जाए या किसी मकरूह का इर्तिकाब हो जाए, किसी सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो जाए, उस तो वो अपने दिल में तंगी महसूस करे और उसको गम लाहिक हो और उसको फिक्र हो कि ये क्या हो गया, और उस वक्त तक उसको चैन ना आए जब तक कि वो तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके नदामत के आंसू बहाकर अपनी गलती की अल्लाह की बारगाह में माफी न मांग ले। तो जैसे ये ईमान की एक अलामत है कि नेकी करके उसको खुशी हो और बुराई हो जाने पर उसको फिक्र हो, गम हो और उसको दिल में तंगी महसूस हो, तो ऐसे ही दोस्तों ईमान की अलामत ये है और मोमिन की शान ये है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के और अल्लाह की मग़फ़िरत के मौके की तलाश में रहे और उसका इंतजार उसको लगा रहे। जैसे 24 घंटे में रात की घड़ी जो सहरी से पहले का वक्त होता है वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कबूलियत का वक्त होता है और अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमत का फैजान होता है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है कि कोई मग़फ़िरत चाहने वाला हो तो मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं,
तो अल्लाह के जो मखसूस बंदे होते हैं वो हमेशा रात की इस घड़ी के इंतजार में रहते हैं, और वो अपनी दुआओं के लिए, अपनी तोबा के लिए, अपने इस्तिग़फार के लिए, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने के लिए रातों को इन घड़ियों का इंतजार करके इन घड़ियों को वो अपनी इन जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के बाद जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने जो कुछ भी किया यूसुफ के साथ और जो कुछ भी किया हमने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो बहुत गलत किया, तो उस मौके पर उन्होंने अपने वालिद से माफी मांगते हुए ये कहा कि अब्बा जान हमारे लिए अल्लाह से भी मगफिरत की दुआ कर दीजिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सौफ अस्तगफिरु लिरब्बिकुम, कि मैं तुम्हारे रब से, अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। तो मुफस्सिरीन फरमाते कि अनकरीब जो दुआ करूंगा, याकूब अलैहिस्सलाम का मकसद ये है कि जब तहज्जुद की नमाज का वक्त आएगा और सहरी का वक्त आएगा तो मैं उस वक्त तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। तो अल्लाह के इन बंदों को अल्लाह की रहमतों के खुसूसी मौके का इंतजार रहता है। तो ऐसे ही रमजानुल मुबारक का महीना अपनी अजमत की बुनियाद पर और अपने तकद्दस की बुनियाद पर, अपनी फजीलत की बुनियाद पर इस बात का तकाजा ये करता है कि मोमिन और मुसलमान पहले से उसके लिए तैयार हो, और ऐसा ना हो कि वो गफलत की जिंदगी गुजार रहा हो और अचानक उसको ये पता चले कि आज तरावी होने वाली और कल मुझे रोजा रखना है। जाहिर है कि अगर गफलत के साथ उसके ये अय्याम गुजरे और आखिरी घड़ी तक उसको रमजान का इंतजार नहीं था और अचानक उसको जब खबर मिलेगी कि आज तरावी पढ़ना है और कल रोजा रखना है, तो अगरचे वो तरावी भी पढ़ लेगा और अगरचे वो रोजे का भी एहतमाम कर लेगा, लेकिन वाकिया ये है कि उसकी तरफ से जो बशाशत होना चाहिए वो बशाशत उसको हासिल नहीं होगी। नियत में जो एहतसाब होना चाहिए और जिस खुशदिली के साथ उस अमल की अदायगी होना चाहिए, उस खुशदिली के साथ वो उस अमल को अदा नहीं कर पाएगा, और उसका नतीजा ये होगा कि उसकी तरफ से रमजान का जब पहली तरावी उसकी और रमजान का पहला रोजा उसका बगैर बशाशत के गुजरा, बगैर खुशदिली के गुजरा, तो रमजान की वो बरकतें, वो रहमतें, वो मगफिरतें उसको हासिल नहीं होनी पाएगी कि जो अल्लाह की तरफ से मतलूब है और जो एक मोमिन के ईमान का तकाजा है कि वो उन रहमतों का और मगफिरतों का और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम का मुस्तहिक बने। इसीलिए हमने बारहा सुना कि सलफ तो रजब के महीने से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमजान, कि हमको रमजान तक पहुंचा दे, गोया अपने लिए उम्र में इजाफे की दुआ करना,
अपने लिए उम्र में बरकत की दुआ करना, इसलिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर सकूं, और इसलिए ताकि मुझे रमजान का महीना नसीब हो जाए और उसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से मेरी भी बख्शिश हो जाए। और जिस वक्त अल्लाह जहन्नमियों के लिए आग से आजादी का ऐलान कर रहा हो तो उन ऐलान होने वाले बंदों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए, इस नीयत से उम्र में इजाफे की और उम्र में बरकत की दुआ करना गोया मतलूब है, मुस्तहसन है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि तूबा लिमन ताल उम्रुहु व हसुन अमलुहु, कि लंबी उम्र का मिलना फी नफसी ही कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ऐसी लंबी उम्र कि जिस लंबी उम्र के साथ इंसान की नेकियों में भी इजाफा हो जाए, ये गोया बहुत बाबरकत चीज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को दुआ दे रहे कि जिनकी उम्र लंबी हुई और लंबी उम्र होने के साथ साथ उनके आमाल भी अच्छे रहे और उनकी नेकियों में भी इजाफा हुआ। और जैसे जैसे रमजान का महीना करीब आता था तो रमजान से पहले और रमजान के दौरान भी सलफ ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमजान व सल्लिम रमजान लना व तसल्लमहु मिन्ना मुतकब्बला, के अल्लाह रमजान के लिए हमको सलामती अता कर दे और रमजान को हमारे लिए सलामती वाला बना दे और हमारी तरफ से रमजान की नेकियों को कबूल फरमा ले। तो रमजान का महीना दोस्तों इस बात का मुतकाजी है, उसकी अजमत उसके तकद्दस का तकाजा है कि मोमिन पहले से उसके लिए तैयार रहे। एक तैयारी तो उसकी मादी है कि जिससे इस बात का इजहार हो, और नफ्सियाती तौर पर लोगों को इस बात का इंतजार हो जाए कि वाकई रमजान का महीना आ रहा है। मसलन ये कि मस्जिद की सफाई हो रही हो, उसकी सफ़े धुल रही हो, पंखे ठीक किए जा रहे हो, एसी और कूलर लग रहे हो, रोगन हो रहा हो, तो लोगों को पता चले कि ये आखिर तैयारी क्यों हो रही है। और गोया ये एक खामोश मैसेज जाएगा और हर एक के दिल में इस बात का तजस्सुस होगा, वो पता लगाएगा कि आखिर रमजान में ये चहल पहल मस्जिद में क्यों हो रही, और उस तजस्सुस के नतीजे ही में वो इस बात तक पहुंच जाएगा कि वाकई ये रमजान की तैयारी है। तो गोया अपने आप को रमजान के लिए और लोगों को रमजान की आमद से मुत्तले करने का एक तरीका ये भी है कि हम मस्जिद में इस किस्म का रूहानी नहीं तो कम से कम मादी माहौल एक पैदा करें कि जिससे मस्जिद में हर आने वाला और हर दाखिल होने वाला ये महसूस हो कि कोई तैयारी हो रही है, तो आखिर ये तैयारी क्यों हो रही है। या हम अपने इनफिरादी तौर पर या घरेलू कामकाज के एतबार से ये मादी तैयारी करें कि घर की भी सफाई हो, अपने लिए अगर टोपी का आम इस्तेमाल नहीं है तो अच्छी सी टोपी खरीद लें, इत्र की शीशी खरीद कर जेब में रख लें, तस्बीह खरीद लें, कुरान मजीद अगर साल भर पढ़ने की तौफीक नहीं होती तो कोई अच्छा सा खूबसूरत कुरान मजीद का नुस्खा लेकर रख लें,
अपने लिए अच्छे से कपड़े मुहैया करें कि तरावी के लिए, रमज़ान के लिए, रमज़ान के जुमा के लिए मैं इन कपड़ों को इस्तेमाल करूंगा। तो ये भी एक मादी तौर पर रमज़ान की आमद के लिए एक तैयारी है, और ये तैयारी भी ऐसी है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर गोया रमज़ान के लिए उसके शौक और इंतज़ार में घड़ियां गुजारेगा, और इसका भी इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलेगा। दूसरे ये कि दोस्तों, हम रमज़ानुल मुबारक के लिए अपना एक निज़ामुल अवकात बना लें। रमज़ान की आमद से पहले ही रमज़ान के दिन हमारे कैसे गुजरेंगे और रमज़ान की रातें किन आमाल में गुजरेंगी, उसका एक टाइम टेबल, उसके लिए निज़ामुल अवकात हमारी तरफ से पहले ही से तय होना चाहिए। और उस टाइम टेबल में या निज़ामुल अवकात में इस बात की ज़रूर कोशिश होना चाहिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो इबादत में गुजरेगा और इबादात के मुकाबले में कम वक्त अपनी दुकान के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए और अपने घर की ज़रूरियात के लिए गुजरेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रमज़ान नेकियों की सीज़न का महीना है, और जैसे आदमी के कारोबार के सीज़न आते हैं तो वो अपने आराम के अवकात, अपने खाने पीने के अवकात, अपने सोने के अवकात और घर की बुनियादी ज़रूरियात के अवकात में तब्दीली कर देता है, और इस हद तक तब्दीली कर देता है बस अवकात कारोबार की मशगूली की वजह से कि दो वक्त का खाना एक वक्त खाता है। अगर दिन को आराम करना उसकी आदत बन चुका था तो कारोबारी सीजन के दिनों में वो दिन का आराम बंद कर देता है। रात को, सुबह को अगर देर से उठने की आदत थी तो कारोबारी सीजन के महीने में या दिनों में वो अपना ये टाइम टेबल चेंज कर देता है और कोशिश करता है कि रात को चाहे मैं देर से सोऊं लेकिन सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर मुझे अपनी दुकान या कारोबार संभालना है। तो जब इंसान अपने कारोबार के लिए, हालांकि ये इंसान की जरूरत है, उसकी जिंदगी का मकसद नहीं है, जब वहां अपनी जरूरियात के लिए इतना एहतमाम है तो दोस्तों, एक मुसलमान के इस्लाम की शान ये है और एक मोमिन के ईमान का तकाजा ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा हो, जो नेकियों के कमाने का सीज़न है, तो उसके लिए भी वो अपने निज़ामुल अवकात को ऐसा बनाए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरे और कम से कम वक्त वो अपने कारोबार के लिए हो, अपनी मुलाजमत के लिए हो, अपनी खेती बाड़ी के लिए हो। बल्कि सलफ के यहाँ ये मामूल था कि अपने नफ्स की इस्लाह के लिए और अपने नफ्स की तहजीब और उसके तज़किये के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी तबीयी ज़रूरतों को और अपने फितरी तकाजों में भी कमी लाए। सूफिया के यहां तीन चीजें मशहूर है, किल्लते कलाम और किल्लते ताम और किल्लते मनाम। यही तीन चीजें हैं इंसान की बुनियादी जरूरत, कि इंसान या तो अपने दोस्तों से मिलजुल कर घंटों गपशप में गुजार देता है, या वो पड़ा सो रहता है, जब देखो सो रहा है, आराम कर रहा है, या ज्यादा से ज्यादा वक्त तो उसका खाने पीने में गुजरता है।
तो अल्लाह के जो औलिया होते हैं उनके यहाँ अगर हम उनकी खिदमत में जाएं कि हम आपकी सोहबत में रहकर ये चाहते हैं कि हम आप जैसे बन जाएं, कि जैसे आपके यहाँ इबादत का शौक है, इबादत की जैसी लज्जत आप महसूस करते हैं और गुनाहों की तरफ आपका रुझान भी नहीं होता और सुबह से लेकर शाम तक इस बात की फिक्र होती है कि मैं अल्लाह को कैसे राजी कर लूं, तो वो उनके यहाँ इलाज का ये तरीका है कि इंसान बुनियादी तौर पर अपनी इन तीन चीजों में कमी लाए। ज्यादा मिलना लोगों से बंद कर दे, ज्यादा गुफ्तगु बंद कर दे, अगर मिलना हो जरूरत के बकदर मिले, गुफ्तगु भी करना हो तो बस जरूरत के बकदर गुफ्तगु करे, और अपने खाने पीने में कमी लाए, और दूसरे सोने में और आराम करने में कमी लाए, कि इन चीजों में कमी लाने की वजह से इंसान के नफ्स पर बोझ पड़ेगा, और जब तक इंसान के नफ्स पर बोझ नहीं पड़ता, उसकी ख्वाहिशात पर कदगन नहीं लगता, वहां तक किसी भी इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें जो रमजानुल मुबारक का टाइम टेबल बनाना है और निजामुल अवकात उसके तय करने हैं तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखना है। और उसके लिए ये जरूरी है कि रमजान के आने से पहले मेरे जो जरूरी काम है मैं उन कामों को निपटा लूं। अगर घर का राशन लाना है तो घर का राशन का स्टॉक पहले से मैं घर में कर लूं, ताकि रमजान के महीने में बार बार बाजार जाने की जरूरत न पड़े। हत्ता के ईद की तैयारी भी हमें ये चाहिए कि रमजान के आने से पहले शाबान के महीने में और रजब के महीने ही में हो जाए, ताकि रमजान का महीना और उसकी आखिरी साहतें और उसके आखिरी दिन भी किसी तरह की मादी तैयारियों में लगकर गफलत के साथ न गुजरे। और दूसरे, हमें रमजान के लिए जरूरी है कि हम तौबा और इस्तिगफार कर लें। जाहिर है कि खुशबू आदमी उसी वक्त इस्तेमाल करता है या खुशबू का फायदा उसी वक्त होता है जब कि आदमी अपने आप से गंदगी और बदबू को दूर कर दे, वरना आदमी अगर पूरा गंदगियों में लथपथ है, उसके बगल से बदबू आ रही है, उसके कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है और फिर वो खुशबू लगाएगा तो अवलन तो ये हिमाकत है, और अगर उसने खुशबू लगा भी ली तो जाहिर है कि उसकी खुशबू का कोई मोहतद भी ही फायदा हासिल नहीं होगा। अगर आदमी घर में या कहीं एयर कंडीशन चलाता है तो कुलीन उसी वक्त महसूस करेगा जबकि बाहर से आने वाली गर्मी के लिए जो खिड़कियां हैं उसको वो बंद कर दे, वरना अगर बाहर से गर्मी भी आ रही है तो फिर जाहिर है कि ऐसी लगाने का कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। तो ऐसे ही दोस्तों बुजुर्गों, रमजान का चांद निकलने के साथ अल्लाह की रहमतें शुरू हो जाती, अल्लाह की तरफ से मगफिरत के ऐलान शुरू हो जाते हैं और अल्लाह की खुसूसी रहमतों का फैजान होने लगता है, लेकिन ये चीजें इंसान उसी वक्त ले पाएगा और अल्लाह की इन रहमतों का, मगफिरतों का उसी वक्त वो मुस्तहिक बनेगा जबकि वो गुनाहों की आलूदगियों से और गुनाहों की गंदगियों से अपने आप को पाक कर चुका। तो इसलिए हमें तौबा और इस्तिगफार भी करना चाहिए, और रमजान आने के साथ हम गुनाह से बच जाएंगे, रमजान आने के साथ हमारे लिए नमाजों का एहतमाम आसान हो जाएगा, रमजान आने के साथ मेरे लिए तरावी में खड़ा रहना या घंटों कुरान मजीद की तिलावत करना या रातों को उठकर तहज्जुद में रोना आसान हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये समझता है तो ये उसकी बेवकूफी है।
जाहिर है कि उसके लिए हमें पहले से अपने आप को इस बात का आदि बनाना होगा। अगर हम रमजान से पहले ही गुनाहों के छोड़ने की कोशिश शुरू कर दें, रमजान से पहले ही नमाजों का एहतमाम शुरू हो जाए, रमजान से पहले ही कुछ वक्त निकालकर कुरान मजीद की तिलावत करने की आदत डालना शुरू कर दें, और रमजान से पहले ही सुबह सवेरे उठकर दो या चार या जितनी भी मुकद्दर हो रकातें पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को मनाना शुरू कर दें, तो फिर जाहिर है कि रमजान की आमद के साथ और रमजान के दाखले के साथ ये सब काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमें इसी अंदाज में और जो भी हमसे हो सके, हम रमजान की हमें तैयारी करना चाहिए। और गोया रमजान का महीना अगर हमको नसीब हो रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से इस बात की अलामत है कि अल्लाह अभी उम्मत को हलाक करना नहीं चाहता। अगर अल्लाह उम्मत को बर्बाद करना चाहता और अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए हलाकत मुकद्दर हो जाती तो खुदा की कसम ये रमजान से पहले कयामत बरपा हो जाती। अल्लाह की तरफ से अगर ये रमजान का महीना जिंदगी में हमें दोबारा नसीब हो रहा है, इस बात की अलामत है कि अल्लाह अभी अपनी उम्मत के लिए चाहता है कि वो किसी तरह उसकी रहमत की मुस्तहिक बन जाए। तो दोस्तों, अल्लाह की तरफ से ये हो और मेरी जिंदगी आम दिनों की तरह वैसे ही गफलत से गुजर रही हो तो इससे ज्यादा बदबख्ती की और इससे ज्यादा शकावत की कोई बात नहीं होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और ज्यादा से ज्यादा हमें रमजान के लिए तैयार होकर रमजान का इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।